वाली साइड। तो गाइज काफी ज्यादा लोग हैं जो मतलब बताते हैं चंडी माता, चंडी माता मचेल किस साइड है। तो गाइज चलता है जो पानी, मैं आपको बता दूं गाइज, ये है पानी, इसको आप चश्मे का पानी करें इधर तक ऊपरी तक ना कौन ला उसका नेड़ी। सो है हेलो गाइज, स्वागत आप सभी की इस आज की न्यू वीडियो में। तो गाइज जैसे कि आप सभी को पता कि आपका भाई पहुंच चुका है अपने गांव में यानी कि घर में। तो भाई जब मैं मतलब पंजाब या जम्मू में हुआ करता था तब मुझे वहां के काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि भाई जब अपने घर जाओगे तो हमें अपना गाँव दिखाना ना भूलिएगा। तो भाई आपकी इस फरमाइश को लेकर अभी मैं आ चुका हूँ अपने गाँव के सबके टॉप पे। तो यहाँ से मेरा मतलब जो गांव का नज़ारा तो भाई क्या ही बताऊँ, क्या ही अच्छा और प्यारा दिखता है। तो चलिए भाई मेरे गांव को देखने से पहले जिसने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को कर दे लाइक, साथ साथ जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। और भाई बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं भाई हमें आपकी इंस्टा आई डी नहीं मिलती। तो भाई जो मेरी इंस्टा आई डी है वो नीचे मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाके आप मेरी इंस्टा आई डी भी ले सकते हैं। तो आइए भाई अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो अब दिखाते मैं आपको अपना गाँव और यहाँ का क्या ही व्यू है, क्या ही नज़ारा है। भाई काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखना पसंद है और गाँव के घर, और मैं अच्छे से मतलब अपने गाँव को मतलब थोड़ा आपको मैं समझाऊंगा भी कैसे क्या है और क्या नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियोस में आगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ वीडियो को कर दे लाइक जरूर से। तो गाइज ये कुछ इस तरीके का मेरा यहाँ से मतलब गाँव है, कुछ मकान टीन वाले, कुछ लेंटर वाले, कुछ मिट्टी वाले घर हैं। तो ये है गाइज इस तरीके का मतलब कुछ मेरा गांव, और सामने क्या आप देख सकते हैं क्या ही खूबसूरत पहाड़ी है यहाँ पे। तो भाई मैंने आपको बताया था कि भाई आपका रहता है पहाड़ियों के बीच में। तो आप देख सकते हैं ये साइड आ गई हमारी किश्तवाड़ वाली साइड, तो ये वाली जो साइड आ गई हमारी जम्मू वाली साइड। तो गाइज काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो मतलब बताते हैं चंडी माता मचेल किस साइड है। तो गाइज़ ये जो एरिया है ये है मचेल वाला एरिया। तो सामने ये जो पहाड़ियां हैं ये आपको दिख जाएंगी, इन पहाड़ियों में पड़ता है गाइस बिमल नाग वगैरह। तो अगर आप इन पहाड़ियों के ऊपर जाएंगे यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छा व्यू देखने को मिलता है, बिमल नाग सरूड ऐसी मतलब सरथल जैसी जगह हैं। तो गाइज़ ये है सामने, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये है गाइज़ सरथल वगैरह। तो ये आ गया अपना कारा गिंदो वाला इलाका। तो ऊपर से आप देख सकते हैं मतलब पेड़ ही पेड़ हैं। तो अभी आसमान मतलब मौसम भी अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है। तो भाई ये है कुछ इस तरीके का मेरा गांव, जैसे मैंने आपको बता दिया कुछ मकान टीन वाले, कुछ लेंटर वाले, तो कुछ है मिट्टी वाले। तो सामने का जो गांव है ये मतलब हमारा अपना पड़ोसी गांव है। तो पार आ गया ये बरशाला बग महला शणहोत वगैरह। तो गाइज मेरा काम था आपको दिखाना जैसे कि आप सभी ने बोल रहा। तो गाइज जो नीचे है नीचे हमारे खेत वगैरह हैं, सामने बिजली के टावर वगैरह हैं। तो ऐसा गाइस कुछ मेरा गांव, मैंने आपको बताया था मैं दिखा दूंगा, कुछ कच्चा कुछ पक्का। तो गाइस सामने लगा हुआ है घर के ऊपर से अभी तिरंगा भी आप देख सकते हैं। तो ये है गाइस इस तरीके का कुछ मतलब मेरा गांव है, आसपास आप देख सकते हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं भाई ठारी से आप कहाँ रहते हैं, ठारी से आप किस दूरी पर रहते हो। तो गाइस सामने है मेरा घर कुछ यहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं भाई ठारी से आप कहाँ पर रहते हो, तो भाई मैं आपको दिखा दूँ, ये है भाई ठारी का चनाब, तो वो है सामने ठारी की रोड, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। तो ये जो वाली है ये वाली है हमारे घर के लिए मतलब रोड है। तो ठारी से लगभग समझ लीजिए कोई 3 से 4 किलोमीटर के बीच में मैं रहता हूँ। तो ये गाइस कुछ इस तरीके का मेरा एरिया है। जैसे कि आप सभी को पता था कि मैं काफ़ी ज़्यादा देर के बाद अब घर आया हूँ। तो भाई काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते थे भाई कुछ नेचुरली चीज़ें दिखाओ, जैसे मतलब पानी हमने सुना है चश्मेज वगैरह होते हैं वहाँ पे। तो भाई मैं आपको हर एक चीज़ आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आपको क्या करना, बस आपको इतना ही काम करना, आपको वीडियो में बने रहना एंड तक, तभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और प्यारी ज़बरदस्त लोकेशन पे। तो आइए उस लोकेशन के आगे हम बढ़ते हैं फर्र करके। इस तरीके के मतलब कुछ यहाँ से नहर है। तो भाई इस नहर मतलब ये इसलिए यहाँ पर ये नहर मतलब जो हमारे खेत वगैरह है जहाँ पे मतलब हमारी सब्जी गेहूं मक्कियाँ वगैरह बनती है, इससे होके पानी वहाँ के लिए जाएगा। तो मैं आपको बताऊँगा पानी आता है पीछे मतलब नाले से। गाइज नाले का मतलब होता है जहाँ से पानी फ्लड वगैरह सब कुछ चलते हैं। तो गाइज जिस लोकेशन की मैं आपको बात कर रहा था वो ये लोकेशन है, यहाँ से ऊपर मैं नहीं हूँ गाइज जाने वाला। तो जिसको अगर यहाँ से ऊपर का व्यू देखना, तो गाइज मैंने इससे पहले जब मैं घर में था मैंने एक वीडियो मतलब यहाँ से ऊपर की भी डाल रखी है। तो अगर मतलब कोई वो वीडियो देखना चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैंने डाल रखा है, तो वहाँ से जाके उस वीडियो को देख दीजिएगा। तो ये अब आपको थोड़ा मैं दिखाता हूँ आगे का व्यू। ये होता है नेचुरली पानी जो कि गाइज इन पहाड़ियों के बीचों बीच में से कहीं से आता है, इतना तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ तब से मैंने ऐसे ही देखे हैं। तो गाइज ये जो पत्थर वगैरह आप देख रहे हो, तो गाइज मतलब जब भी हमारे हिंदू धर्म में किसी की डेथ वगैरह होती है तो उसके नाम पे यहाँ पे एक पत्थर लगा दिया जाता है। इसलिए लगा दिया जाता है कि जैसे मतलब पुरानी मान्यताओं के अनुसार बोलते हैं
कि भाई ऐसे मतलब उन तक पानी पहुंचता है, नहीं तो वो प्यासे रह जाते। गाइस मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है तो मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा। गाइस ये जो भी आप यहाँ से पानी देख रहे हैं 100% नेचुरली है, और ये जो आप रेड रेड कलर देख रहे हैं, ये रेड कलर मतलब काफ़ी ज़्यादा देर, मतलब जब से मैं हूँ तब से मैंने ऐसा ही देखा, क्योंकि बहुत पहले से पानी यहाँ से इस तरीके कुछ चल रहा है, तो इस पानी के चलने की वजह से इसका कलर शायद ऐसा हुआ है। तो सामने का मतलब कुछ इस तरीके का व्यू है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी नहरें वगैरह हैं जहाँ से हमारे गांव या खेतों के लिए पानी वगैरह जाता है, तो भाई आज हमारे खेतों को पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल लगी हैं उसमें कनक वगैरह, तो गाइस कनक अब थोड़ी थोड़ी बन चुकी है, तो अब पानी की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए पानी जा रहा है अभी वेस्ट। गाइस वेस्ट नहीं इसको मैं कहूँगा, क्योंकि ये पानी यहाँ से होके जाएगा ठाड़री से आगे ये जाएगा गाइस जम्मू वगैरह। तो भाई जम्मू वालों आपको मैं बात बता दूँ भाई, ये जो ऐसी छोटी छोटी नदियाँ आप देख रहे हैं ना, इन्हीं नदियों से चलकर मतलब एक काफ़ी ज़्यादा जिसको हम हमारा चनाब बोलते हैं ठाठरी का चनाब, इन नदियों से छोटी छोटी नदियों से एक मतलब जैसे बोलते हैं ना बूंद बूंद से तालाब भरता, भाई वैसे ही है ये सिस्टम। ये पानी आएगा ठाठरी में, ठाठरी से होके मिलेगा ठाठरी के चनाब में, तो वहाँ से आगे डोडा मतलब आगे फिर जाएगा डोडा धुमपर वगैरह। तो भाई जो जम्मू अखनूर में जो पानी है भाई, मैं बताता हूँ कि वो यही वाला पानी होता है हमारा ठाठरी चनाब का। मतलब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो यहाँ से मतलब सामने से कुछ लोग वगैरह बैठे हैं जो कि मेरे गांव के ही हैं, तो बोल रहे हैं भाई यहाँ पे मत बैठ क्योंकि यहाँ से ऊपर से पत्थर गिरने के चांसेस होते हैं। तो भाई सही भी बात है, मैं ज़्यादा देर यहाँ पे रुकूंगा नहीं, तो जो मेरे गांव के लोग वगैरह मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे आओ, अपना काम करो, आप पानी भरो, ना हो तो यहाँ से निकल जाओ भाई, अगर यहाँ पे खतरा है तो यहाँ पे ना बैठे। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, मेरे पीछे अभी एक वाटरफॉल, तो भाई ऐसे भी इससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े वाटरफॉल आपको ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो भाई यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ है, मुझे पता नहीं है मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही कि नहीं, जैसे कि आपको पता है मेरे पास एक टूटा सा फ़ोन है और मेरे पास बाइक वगैरह भी कुछ नहीं है। तो ये है गाइस ऊपर से ये पानी आता है नेचुरली पानी। यहाँ पे आके जो हमारे गांव के लोग वगैरह हैं यहाँ पे आके फ़ोटोज़ वगैरह शूट करते हैं, और आप देख सकते हैं मतलब ये जो पहाड़ी है ऊपर के लिए कितनी ज़्यादा फिसलन भरी है। तो बढ़ते हैं गाइस यहाँ से हम आगे, तो पानी भी आज अच्छा खासा पानी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऊपर पहाड़ियों में बर्फ़ लगी हुई है, तो बर्फ़ का पानी पिघल के आ रहा है नीचे, तो उस वजह से पानी जो आप बूंद बूंद अभी पानी के चलते हुए देख रहे हो, तो गाइस ये पानी बीच पहाड़ियों में से निकलता है। जो पानी मैं आपको बता दूं गाइस, ये है पानी, इसको आप चश्मे का पानी बोल सकते हो, चश्मे के साथ साथ आप इसको नाग का पानी बोल सकते हो। तो गाइस नाग मने जो भोले बाबा के गले में होता है उसको नाग बोलते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं मतलब यहाँ से है हमारे घरों के लिए गांव के लिए पानी की सप्लाई, यहाँ से देखे पाइपें वगैरह लगी हुई है। तो ये गाइस ये जो पानी है इसको आपको फ़िल्टर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि गाइस ये सारी बातें क्लियर कर दी है साइंटिस्टों ने कि जो पानी ये है नेचुरली पानी, इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। भाई आपको मैं एक और बात इस पानी के बारे में बता दूं, ये पानी ना जब सर्दियां होती हैं सर्दियों में नेचुरली गर्म हो जाता है, तो गर्मियों में ठंडा हो जाता है, इसलिए इस पानी को हम जन्नत का पानी भी कह सकते हैं। कोई गैस कर सकता है इन पहाड़ियों के बीच में से कभी ये पत्थर गिरेंगे कब नहीं गिरेंगे, इसलिए यहाँ पर मतलब ज़्यादा नहीं देते हमें बैठने। तो ये जो पानी देख रहे हैं मतलब सामने चश्मा है ये, तो भाई देखे मतलब आपके पंजाब में, आपके जम्मू में, आपकी हर स्टेट में गाइस हर अपने अपने स्टेट की अलग अलग बात से, वहाँ पे कहीं मोटर से पानी निकालते हैं ज़मीन से, कहीं पंप से निकालते हैं, तो भाई हमें ऐसी चीज़ों की लोड नहीं पड़ती है, हमें नेचुरल ही कुदरती पानी निकलता। ऐसी बात नहीं है कि ये पानी कोई आम पानी होता गाइस, इसकी मतलब कभी पूजा भी होती है। तो जैसे मतलब हमारे एरिया में कभी बर्फ़ का नहीं बताऊंगा, अगर बारिश नहीं लगती तो गाइज़ अगर हम इस जगह पे आके हलवा पूरी बनाते हैं तो गाइज़ डेफिनेटली यहाँ पे बारिश पड़ती ही पड़ती है। ये बढ़ते हैं वीडियोस में आगे, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ दिखाना, आपको अभी बहुत कुछ समझाना, तो अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए ना तो गाइज़ वीडियो को देखिए पूरी, सच बता रहा हूँ मैं आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। ज़्यादा लोग बोलते हैं कि वहाँ जाके अब हमें अपनी भाषा भी सुनाना, तो सुनाता हूँ मैं, अभी यहाँ पर लड़का बैठा है इससे मैं अपनी ही भाषा में बात करूँगा, तो आइए सुनिए। नहीं कौन लाओ सेट करने है बा इर्दा के जरा कौन लाओ सेट करने जो चाचा से गाल करे इर्दा कुबरी तक ना कौन लाओ उस करने इडी हैं हर तेरी वीडियो लाओ रे बने तक जरा तक बेरा कौन लाओ सेट करने गब्बन से आउरो से उबरी तक जरा। तो गाइस ये शर्मा रहा है इसके आगे, मतलब जब कैमरा चले गया ना तो ये शर्माए चाचू से बात करते। चाचू कौन लाओ थेड़ करने जो शर धूप सैकने, तो मतलब गबन से आउरत थीड़ी। हां
तो गाइज ये है हमारी भद्रवाही भाषा, जिसको आप पहाड़ी भाषा भी कह सकते हैं। और चाचू ठीक है ना? और चाचू ठीक है ना मतलब होता है और चाचू ठीक हो आप, मतलब सेम ही है उर्दू से, जो हमारी उर्दू हमारी जो भाषा है उर्दू और हिंदी मिक्स चलती है, तो उनसे मतलब सेम मिलती जुलती है। तो बाकी इसने तो आपके साथ बात नहीं की, नहीं थी गल करनी है कि जो तो भाई इसने बात नहीं की। तो आइए बढ़ते फिर से हम आगे, देख सकते हैं आप यहाँ का क्या ही ज़्यादा व्यू अच्छा और प्यारा प्यारा। तो भाई एक बार आप मतलब सामने का व्यू देख लीजिए, क्या ही प्यारा व्यू है। और यहाँ पे बैठते हैं ना जब हम मतलब गर्मियों में टाइम में, क्या ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब भर रहा हूँ इसमें घर की ओर आगे, क्योंकि ज़्यादा मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, तो मैं जाऊँगा घर और दिखाऊँगा आपको होर व्यू। तो गाइस ये इस तरह का कुछ हमारा कुछ एरिया था, आपने देख लिया आज अच्छे से, देख लिया शायद आज आपने। गाइस अभी लगभग बज चुके हैं शाम के 4, तो अभी हम जा रहे हैं खेलने के लिए। तो खेलेंगे गाइस क्या, हम खेलते हैं बैट बॉल वगैरह। तो अभी हम जा रहे हैं खेलने के लिए, सभी लड़के शायद से वहाँ पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि मुझे कर रहे कॉल कि भाई खेलने आ जाओ, घर में हो तो कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा लो। तो मैं भी अभी जा रहा हूँ खेलने। तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको गाँव के किस तरह के ग्राउंड होते हैं और किस चीज़ से खेला जाता है। तो गाइस पहुँच चुका अभी मैं ग्राउंड में, कोई ज़्यादा बड़ा ग्राउंड है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम छोटे छोटे ही खेलेंगे। इसके अलावा भी एक ग्राउंड है जो कि बहुत बड़ा है, वहाँ पर टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, हमारे ही गांव में ही है, वो भी गांव से थोड़ा सा दूर है, मतलब गांव में ही रख लो अब। तो भाई ये कुछ इस तरीके का ग्राउंड है, बस मस्त। अभी तो यहाँ पे कम लड़के आए हुए, अभी तो बहुत ज़्यादा आए हुए थे। ये हम भी करते हैं अपना खेल स्टार्ट। इनला भी खेलने के बाद अभी मैं आ चुका हूँ मतलब घर में। तो गाइज़ अभी हो चुका काफ़ी ज़्यादा अंधेरा, भी टाइम अभी लगभग कोई 7 रख लो। तो गाइज़ मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये गांव पसंद आया होगा, क्योंकि भाई आपकी डिमांड थी तो मैं पूरी कैसे ना करता। तो मैंने आपको दिखा दिया गांव, तो मुझे उम्मीद है कि शायद मैंने आपको अच्छे से हर बात समझाई होगी। तो अभी थोड़ी बालों की भी हो चुकी है हालात ख़राब। तो गाइज़ ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ आपकी सीरीज नेक्स्ट वीडियो में, जिसको मेरी इंस्टा आईडी चाहिए। तो इंस्टा का यूज़र नेम अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ रहा है, तो यहाँ से जाके मेरा नाम सर्च कीजिए और जाके कर दीजिए मेरी इंस्टा फॉलो। मैं मिलता हूँ आपको इसी जैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।